हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ के इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट नंबर फोर, जो कि है अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे बोला गया है कि आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं वो उसका मीनिंग, ठीक है, यानी कि उसके जो अर्थ है वो या तो अपने पंजाबी में लिखने हैं या हिंदी में लिखने हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है वो है डिस्कस, यानी कि विचार विमर्श करना, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि मुश्किल, अटेंशन यानी कि ध्यान, स्ट्रगल संघर्ष करना, डायग्नोस यानी कि रोग का पता लगाना, लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनको जो है वो सेंटेंस में फ्रेम करना है, ठीक है, ताकि उस वर्ड का मीनिंग जो है वो क्लियर हो सके। ग्लास, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी मुझे एक ग्लास पानी दो। हॉस्पिटल, वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। फेथ, वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। मिल्क, मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड, मिल्क जो है वो एक पूर्ण आहार है, ठीक है। स्कूल, ही गोज टू स्कूल बाय बाइसिकल, वो स्कूल जो है वो बाइसिकल से जाता है, यानी कि साइकिल से जाता है। नेक्स्ट है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड इन कॉलम बी, जेंडर है ये, ठीक है। तो बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन, हिम, हर, लेडी, जेंटलमैन, शी, ही, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेशन है, इसमें आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको या तो अपने पंजाबी में या हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट करना है। आई मस्ट सेल टू मोर बुक्स, मुझे दो और किताबें बेचनी होंगी, ठीक है। आई एम सो हंग्री एंड थर्स्टी, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। द बॉय रिंग्स द बेल, लड़का घंटी बजाता है। आई एम सेलिंग दीज बुक्स, मैं इन किताबों को बेच रहा हूँ। नेक्स्ट है, You are so weak, तुम बहुत कमजोर हो। You are very kind, आप बहुत दयालु हैं। Ma'am, I will always remember, महोदया मैं हमेशा याद रखूंगा। Yes, it is complicated, हाँ यह जटिल है। He took special care of you, उन्होंने आपका खास ख्याल रखा। My faith in God and goodness of people has become stronger today, बच्चों ये जो लाइन है ना, ये आपके बुक में है ये लाइन, बट आपको वर्कबुक में जो है वो नहीं दिया गया, मे बी मिसप्रिंट हुआ है, तो ये कंप्लीट कर लेना क्योंकि इसके बिना इसका मीनिंग नहीं निकलेगा कोई भी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या निकला, ईश्वर में मेरा विश्वास और लोगों की भलाई आज और भी ज्यादा जो है वो मजबूत हुई है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसमें आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आपने आंसर जो है वो वन सेंटेंस में करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय इन द प्ले अ ग्लास ऑफ मिल्क, इस प्ले में, इस नाटक में जो एक लड़का है उसका क्या नाम है, उसका नाम है हॉवर्ड केली, ठीक है। वेयर डिड अनिता लिव, अनिता कहाँ रहती थी, तो अनिता लिव्ड इन स्मॉल हाउस एट ब्लैकपूल, वो जो है वो एक छोटे से घर में ब्लैकपूल में रहती थी, ठीक है। ब्लैकपूल जो है वो एक्चुअली जगह का नाम है, ठीक है। हु वॉज थर्स्टी, कौन प्यासा था, द बॉय नेम्ड हॉवर्ड केली वॉज थर्स्टी, तो जो लड़का है इस नाटक में वो जो है वो प्यासा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लेडी गिव हिम टू ड्रिंक, जो लेडी है उसने उस लड़के को क्या दिया पीने के लिए, ठीक है। द लेडी गेव हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क टू ड्रिंक, ठीक है, तो लेडी ने उसे एक दूध का ग्लास दिया पीने के लिए। नेक्स्ट है, हु हैंडल्ड द लेडीज केस, जो लेडी का जो केस था, ठीक है, उसको किसने हैंडल किया, तो उसे जो है वो डॉक्टर केले, ठीक है, और ये डॉक्टर केले कौन थे, हॉवर्ड केले ही थे, उन्होंने जो है उनका केस जो है वो देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वोकैबुलरी जो है वो दिया गया है, तो आपने इस वर्ड फिल इन द पजल विद द वर्ड फ्रॉम द प्ले अ ग्लास ऑफ मिल्क, इसमें आपने एस से जो है कोई भी एक पजल जो है वो फिल करना है, ठीक है, जो एस से बने, तो इसका ये वाला जो है हम इसको एस कह सकते हैं, एस टी आर, ठीक है, तो यानी कि आपका जो है ये एट जो है वो अल्फाबेट्स का होगा, और क्योंकि इसके ऑक्टोपस के एट आर्म्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से स्ट्रॉन्गर वर्ड जो है ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, फिल फाइंड सफिक्सेस एंड राइट देम सेपरेटली, तो अपने इसमें से सफिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। सफिक्स होता है बच्चों जो मेन वर्ड होता है उसके बाद लगता है, ठीक है, इसी तरीके से जो प्रीफिक्स होता है वो मेन जो मेन वर्ड है उससे पहले लगता है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो क्या है, गर्ल, और जो बाकी का जो बच गया, ठीक है, आई एस एच जो है वो क्या हो जाएगा, सफिक्स, तो गर्ल प्लस इश, चाइल्ड जो है वो मेन वर्ड हो गया और लेस लगा दिया उसमें वो सफिक्स हो गया, चाइल्डलेस, ट्रबल सम, प्ले फुल, वार्मली, ओके।
नेक्स्ट आपको जो है वो कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं, यानी कि समूह। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो चीज जो होता है काफी सारे जो है वो आप कह लो कि चीजों को इकट्ठा कर एक जो है वो नाउन बन जाए, एक चीज बन जाए। जैसे मैंने बोला बंच ऑफ ग्रेप्स, तो जो बंच है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने बोला लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी क्या है? बुक्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी वर्ड है ये क्या हो गया? ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसी तरीके से कुछ कलेक्टिव नाउन जो है वो आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, आपने इसमें से वो वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जो है वो आप अपने वर्क को फिल कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। आगे जो है वो आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोला गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। एडजेक्टिव होता है जब हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर? व्हेन वन थिंग और पर्सन इज कंपेयर्ड और कंट्रास्टेड विद अनदर और अदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स, वी यूज अ कंपैरिजन दैट कैन एक्सप्रेस इक्वालिटी, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। तो हम जब दो चीजों का, दो या दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन करते हैं, जिसके जिससे हम जो कहते हैं उसके बराबर है या उससे अच्छा है या सबसे अच्छा है, ठीक है, या उससे बुरा है, तो या तो सुपीरियरिटी दिखा सकते हैं, इंफीरियरिटी दिखा सकते हैं, है ना, या इक्वालिटी दिखा सकते हैं, तो उसको बोला जाता है। तो जहां पर हम सिंपल वर्ड जो कह सकते हैं, जहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं करें, तो वहां पर हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं, जैसे टॉल, ठीक है। गीता इज टॉल, तो गीता जो है वो लंबी है, यहाँ पे मैंने किसी से कंपेयर नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि गीता इज टॉलर देन मोहन, गीता जो है वो मोहन से ज्यादा लंबी है, तो वहां पर मैं गीता और मोहन का कंपेरिजन, तो ये कंपेरेटिव हो गया है, ठीक है। देखो कंपैरेटिव में ना हम लोग देन वर्ड यूज करते हैं क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे दो लोगों के बीच कंपेयर किया जाता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें दो से ज्यादा लोगों में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला गीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, गीता जो है वो अपने क्लास में सबसे लंबी है, तो वहां पर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप डिग्री ऑफ एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उसके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो देख लेते हैं। डीप, डीपर, डीपेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब देखो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हम लोग ईआर और ईएसटी, सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगा देते हैं, कंपैरेटिव में ईआर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कंपैरेटिव में मोर लगता है, ठीक है, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। ये जो होते हैं ये बिल्कुल ही अलग तरीके के हैं, इसमें कोई भी जो है वो उसके कंपैरेटिवली नहीं है। बैड, वर्स, वर्स्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, लार्ज, लार्जर, ठीक है, यहाँ पे आ रहेगा, और लार्जेस्ट, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, थिन, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, प्राउड, प्राउडर, प्राउडेस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, राइप, राइपर, राइपेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, लकी, लकियर, लकीएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन विद इन द ब्रैकेट। तो आपको ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा, ठीक है, आपने उसको जो है वो फिल करना है। तो अब देखो हमें पता कैसे चलेगा, सुपरलेटिव डिग्री में अगर आपको इस सेंटेंस, मतलब जो ब्लैंक है उससे पहले आपको जो है वो द मिलता है, ठीक है, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री आता है। अगर आपको देन मिलता है सेंटेंस में, तो वहां पर जो है वो कंपैरेटिव आता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। दिस इज द प्रीटीएस्ट फ्लावर, ठीक है, तो द से पता चल गया, आई हैव एवर सीन। वुड इज लाइटर देन वॉटर, वुड और वॉटर का कंपेरिजन हो रहा है ना देन वर्ड से, तो यहाँ पे क्या आ गया, कंपेरेटिव। लीड इज द लगा है तो हैवी का हैवीएस्ट हो जाएगा, ठीक है, द लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री देखोगे यूजफुल का वो होता है मोस्ट यूजफुल। यहाँ पर भी द है, हैप्पी का सुपरलेटिव डिग्री देखोगे हैप्पीएस्ट।
लगा है यहाँ पर भी, हाई का सुपरलेटिव डिग्री देखोगे हाईएस्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है सेंटेंस उसमें भी द लगा है, तो ओल्ड का सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट। यहाँ पर भी द लगा है, बिग का सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट। द लगा है सुपरलेटिव डिग्री लेजी का लेजीएस्ट। यहाँ पर देन लगा है तो गुड का जो है वो आप कह सकते हो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। ठीक है, तो हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे जो है वो वेल्थ से कंपेयर कर रहे हैं ना, देन वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री यूज करोगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट का क्या हो जाएगा, मोर इम्पोर्टेंट। द लगा है टॉल का सुपरलेटिव डिग्री देखोगे, टॉलेस्ट। ठीक है, देन तो ओल्ड का कंपेरेटिव डिग्री देखोगे आप, ओल्डेस्ट। ठीक है, ओल्डर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से टुडे वेदर इज द लगा है यहाँ पर बैड का सुपरलेटिव डिग्री देखोगे, वर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है वो देन वर्ड यूज हुआ है, तो डिफिकल्ट का कंपैरेटिव डिग्री देखोगे तो हो जाएगा मोर डिफिकल्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें मच और मैनी से आपने जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करना है। ठीक है, तो देखो मैनी होते हैं काउंटेबल के लिए, जिन चीजों को आप गिन सकते हो वहां पर हम लोग यूज करते हैं मैनी, और जिनको कि आप काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम लोग यूज करते हैं मच। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एनिमल्स। एनिमल्स को आप काउंट कर सकते हो तो हमने लगाया मैनी। ऑरेंज को काउंट कर सकते हो, हमने लगाया मैनी। शुगर को काउंट नहीं कर सकते इस करके उसको लगाया मच। ठीक है, अब आप बोलोगे शुगर के जो है वो जो क्यूब्स होते हैं उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, पर देखो जब हम क्वांटिटी में लेते हैं तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स जो होता है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो वहां पर लग गया मैनी। हेयर जो होता है उसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसकी जगह पे लगाते हैं मच। क्लियर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद मच, अ लिटिल और अ फ्यू। ठीक है, अब आपने मच, अ लिटिल या अ फ्यू को जो है वो यूज करते हुए यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मच जो होता है वो मैंने जैसे आपको बताया जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर यूज होगा, तो देखो मच जो है वो तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है वो फ्यू, फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, अ लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो कैन यू प्लीज बाय अ फ्यू एप्पल्स, तो आप एप्पल्स को जो है वो काउंट कर सकते हो, है ना, तो ये काउंटेबल नाउन है तो अ फ्यू लगा दिया। इसी तरीके से वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, वी नीड मच वाटर, हमें जो है वो ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, शुगर जो है वो आप कह सकते हो अनकाउंटेबल नाउन है तो अ लिटिल लगा दिया। वी हैड अ फ्यू पिंट्स ऑफ बियर देयर, तो जो है वो बियर के पिंट्स को काउंट किया जा सकता है, तो हमने अ फ्यू लगा दिया। यू हैव अ लिटिल टाइम लेफ्ट, अब टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यहाँ पर अ लिटिल लगा दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है आपका, आपने जो आपको दिया गया है उसमें सम और एनी से फिल कर, तो देखो सम जो होता है बच्चों वो ना अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है, जबकि जो एनी है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के साथ यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमने एनी वर्ड यूज किया। देयर इज सम जूस इन द बॉटल, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, कि बॉटल में थोड़ा सा जूस है। डू यू हैव सम कॉफी, तो यहाँ पर जो है हमने सम यूज किया है, यहाँ पर एनी वर्ड भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। डू यू हैव एनी कॉफी या डू यू हैव सम कॉफी, यहाँ पर सम क्यों यूज किया हमने, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आपके पास थोड़ी सी कॉफी है, यहाँ पर एनी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, यहाँ पे नॉट का जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर एनी आ जाएगा। शी हैज सम मनी, उसके पास थोड़ा पैसा है, तो यहाँ पर जो है वो सम यूज किया गया है। ठीक है, अब हमने जो है वो क्या सम और मैनी को फिल करना है, तो सम जो है वो हम, सम का मतलब क्या होता है, कुछ। ठीक है, तो हम जहाँ पर जो है वो नंबर या क्वांटिटी को शो नहीं करना चाहते कि कितनी मात्रा में है। ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां पर हम सम का इस्तेमाल करेंगे, जबकि मैनी, मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो द चाइल्ड पुट सम सैंड, तो कुछ सैंड डाला उसने बकेट में, तो सम यूज कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से आई कैन लेंड यू सम मनी इफ यू नीड इट, तो मनी जो है उसको जो है वो हम क्वांटिटी या नंबर जो है वो अभी नहीं एक्सप्रेस कर रहे, तो वहां पर सम यूज हो गया। देयर आर नॉट मेनी पेयर्स लेफ्ट, वहां पे बहुत मतलब कि अब पेयर्स जो है वो काउंटेबल है ना, काउंट कर सकते हो, तो हमने यहाँ पर मेनी वर्ड यूज किया है।
वी हैड सम केक विद द टी, हमने थोड़ा सा केक जो है वो चाय के साथ खाया, तो कितनी क्वांटिटी वो नहीं मेंशन की गई है, तो हमने सम यूज किया। स्वीट्स है आप उसको काउंट कर सकते हो, तो हमने मेनी वर्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब इसी तरीके से लिटिल और लेस का इस्तेमाल करना है हमने। अब देखो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो जो लिटिल वर्ड होता है वो नॉन काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, और इसको सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, यानी कि जो है वो जब एक हो कह सकते हो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, जबकि जो लेस होता है वो लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम जो है वो डिग्री कर चुके हैं एडजेक्टिव, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ठीक है, आई हैव लिटिल फेथ इन हिम, उसमें थोड़ा सा फेथ है, विश्वास है। ठीक है, वी नीड लेस फर्नीचर, फर्नीचर को काउंट कर सकते हो। ठीक है, कंपेरेटिवली बोला है, देखो कंपेयर किया है उसने। ठीक है, यहाँ पे देन वर्ड का इस्तेमाल किया गया ना, तो यहाँ पर हमने लेस लगा दिया। यू हैव टू ड्रिंक, यहाँ पर लेस ना आके लिटिल जो है वो आएगा। ठीक है, यू हैव टू ड्रिंक लिटिल कॉफी, कि कॉफी को आप काउंट नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो कंपेयर भी नहीं किया किसी से, तो हम यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है ही हैज लेस मनी, कितनी क्वांटिटी में मनी है वो हमें नहीं पता। ही हैज लेस मनी, उसके पास थोड़े पैसे हैं, और यहाँ पे कंपेरेटिवली यूज हुआ है, देन जितना मैंने सोचा था उसके पास उससे कम पैसा है, तो यहाँ पर हमने लेस का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव। अब सेंटेंस में सुटेबल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग फिल करना है आपने। तो फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, अब ये कोई सेंटेंस में ना तो देन का इस्तेमाल किया गया है ना द का, तो हमने जो है वो सिंपल पॉजिटिव वर्ड्स ही जो है वो फिल कर दिया। वी हैड बेक्ड पोटेटोज फॉर ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे हैड यूज हुआ है, इसलिए हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, जो पॉजिटिव वर्ड है आपका, उसका हमने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। द स्टेडियम वॉज क्राउडेड विद लॉयल फैंस, तो जो स्टेडियम है वो लॉयल फैंस से जो है वो मतलब की भरा हुआ है। द रिजल्ट ऑफ द मॉडल स्कूल वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, दे वर शॉक्ड आफ्टर सीइंग द होटल बिल, तो जब उन्होंने बिल देखा तो उसके बाद शॉक हो गए। द टॉलेस्ट, ठीक है, यहाँ पर जो है वो द लग गया तो हमें पता चल गया कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर भी जो है वो द लग गया तो हमें पता चल गया कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो कोल्ड का कोल्डेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सार्वी बॉट द लग गया यहाँ पर, तो बिग का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इसके बाद यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं किया गया तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर भी द लगा है यानी कि जो हैप्पी है उसका सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, वो है हैप्पीएस्ट। फिर आपने दोबारा से एडजेक्टिव के साथ ही फिल करना है, तो यहाँ पर जो है वो कंपेयर किया गया तो कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे, थिन का थिनर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया है यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री करोगे डेंजरस का, तो ये मोस्ट डेंजरस हो जाएगा। यहाँ पर कंपेयर किया गया है पैरट को रैबिट के साथ, ठीक है, और देन का इस्तेमाल किया गया तो गुड का कंपेरेटिव डिग्री जो है वो बेटर हो जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर बिग का बिग रहने दिया हमने। इसी तरीके से यहाँ पर कंपेयर किया गया पैसिफिक क्वेश्चन को आर्टिक क्वेश्चन के साथ, देन वर्ड का इस्तेमाल किया गया तो ये कंपेरेटिव डिग्री लार्ज की क्या हो जाएगी, लार्जर। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो कंपेयर किया गया है उसका, ठीक है, उसके जो वेट है उसको कंपेयर किया गया है, ठीक है, लास्ट ईयर से, तो थिन का जो है वो कंपेरेटिव डिग्री थिनर हो जाएगा क्योंकि देन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर भी देन का इस्तेमाल किया गया है यानी कि कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, तो स्लोअर का कंपेरेटिव क्या होता है, स्लोअर, ठीक है। इसी तरीके से द का इस्तेमाल किया गया है तो नाइस का जो है वो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो देखेंगे, वो होता है नाइसेस, ठीक है। यहाँ पर भी जो है वो द का इस्तेमाल किया गया यानी कि गुड का जो है वो हम सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे, तो वो होता है बेस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी देन का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर हार्ड ड्राइव्स को SSD के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर जो है वो हम चीप का कंपेरेटिव डिग्री यानी कि चीपर लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। इसमें आपको बोला गया है अ लायन इज स्ट्रॉन्गर देन अ बुल, एक शेर जो है वो एक बुल से ज्यादा ताकतवर होता है, एंड एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन अ लायन, और एक हाथी जो होता है वो एक शेर से ज्यादा ताकतवर होता है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है इसमें से वो कौन सा है, एलिफेंट हो गया, क्योंकि सबसे अगर हम लोअर स्टेप पे देखें तो वो बुल है, बुल से ज्यादा ताकतवर लायन है, और लायन से ज्यादा ताकतवर एलिफेंट है, तो हम कह सकते हैं एलिफेंट जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से सबसे वीकेस्ट यानी सबसे कमजोर कौन है, तो वो है बुल। नेक्स्ट है अ रूलर इज लॉन्गर देन अ पेन, एक जो स्केल होता है वो पेन से ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। एक वॉकिंग स्टिक जो होता है वो स्केल से ज्यादा लंबा होता है, तो सबसे लंबा कौन है इसमें से, तो वॉकिंग स्टिक है, ठीक है। फिर सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, पेन है। टोनी इज टॉलर देन रमन, टोनी जो है वो रमन से ज्यादा लंबा है, और रमन जो है वो अशोक से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन हुआ,
सबसे लंबा जो है वो टोनी हुआ। देखो क्या बोला गया है, टोनी इज टॉलर देन रमन, तो टोनी जो है वो सबसे लंबा हो गया, रमन जो है वो उससे छोटा है, ठीक है। और क्या बोला है, अब रमन जो है वो अशोक से ज्यादा लंबा है, तो रमन जो है वो इस तरीके से जो है वो स्टेप बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है, टोनी, और सबसे छोटा जो है वो कौन है, अशोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये है राइटिंग स्किल। इसमें आपको एक पैराग्राफ जो है वो ब्लैक पूल के ऊपर लिखने को बोला गया है और आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, ठीक है। इन हिंट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो पैराग्राफ लिखना है। तो हमने लिखा है कि ब्लैक पूल इज अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड। जो ब्लैक पूल है वो एक छोटा सा शहर है, ठीक है, या कह सकते हैं छोटा सा टाउन है इंग्लैंड का। टूरिस्ट लव गोइंग टू ब्लैक पूल, जो टूरिस्ट है ठीक है वो ब्लैक पूल जाना बहुत पसंद करते हैं। इट इज सिचुएटेड एट द सी साइड, ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है। द सी वॉटर हियर इज वेरी सॉल्टी एंड विजिबली ब्लैक, तो यहाँ का जो समुद्र का पानी है वो बहुत ज्यादा नमकीन है और वो थोड़ा ब्लैकिश है, कलर में दिखता है ब्लैक, ठीक है। और इसी वजह से इसका इस शहर का नाम जो है वो ब्लैक पूल पड़ा है। इट इज अ प्लेस दैट चिल्ड्रन लव्स गोइंग टू, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को जाना बहुत पसंद है। देयर इज अ लॉट दैट चिल्ड्रन मे फाइंड अम्यूजिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लग सकती है। यहाँ पर एक जो है वो टॉल टावर है टाउन के मिडल में, जो कि ब्लैक कलर की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीकिंग स्किल का, जिसमें कि टीचर जो है वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और स्टूडेंट को उसका आंसर करना है। तो ये आंसर जो है वो आपके और मेरे जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। विच इज योर फेवरेट हिल स्टेशन, आपका फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है, मैंने लिखा शिमला। हैव यू एवर हेल्प्ड समवन, कि आपने कभी किसी की मदद की है, तो हाँ बहुत बार, यस मेनी टाइम्स। हाउ डू यू फील आफ्टर हेल्पिंग समवन, आप जब किसी की मदद करते हो उसके बाद आपको कैसा लगता है। हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे संतुष्टि मिलती है। डू यू लाइक टू ड्रिंक मिल्क, क्या आपको दूध पीना पसंद है, यस आई डू। व्हाट विल यू डू इफ यू बिकम अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप क्या करोगे। आई विल हेल्प द नीडी, मैं जरूरतमंदों की मदद करूंगी। अब आपने अपने शहर गांव किसी के बारे में भी जो है वो यहाँ पे इनको फिल करना है, ठीक है। आई लिव इन लुधियाना, मैं लुधियाना में रहती हूँ। इट इज अ विलेज टाउन और सिटी, ये एक सिटी है और ये पंजाब में है, ठीक है। द प्लेस इज फेमस फॉर अपैरल इंडस्ट्री, यानी कि ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, और जो लैंडमार्क है वो फिलौर का किला है। मैनी पीपल विजिट दिस प्लेस फॉर शॉपिंग, और काफी सारे लोग जो है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो आपकी फिनिश हो जाती है। इन केस कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।